जब आप किसी फ्लाइट में बोर्ड करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सेल्फी लेकर इंस्टा पर डालने और समोसा मिलने के बीच में क्या होता है? प्लेन उड़ने से पहले क्या होता है? एयर होस्टेस आती है और आपको बताती है कि अगर इस प्लेन में कुछ गड़बड़ हो जाए, इंजन का तेल खत्म हो जाए या पायलट को मिर्गी का दौरा आ जाए तो हरिद्वार पहुंचने से बचने के लिए आगे और पीछे के किन किन द्वारों से कूदना है, सीट के नीचे से हवाई जैकेट निकालकर कैसे फुलानी है, कुल मिलाकर जान कैसे बचानी है, ये सारी तरकीबें आपको बताई जाती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अधिकतर लोगों के कान उस वक्त काम नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ आंखें काम करती हैं, समझ रहे हो आप, और वो सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को मिस कर देते हैं। एसईओ भी प्लेन की तरह है। आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को आसमान तक पहुंचा सकता है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग का ट्रैफिक अचानक से लुढ़क जाए तो क्या किया जाए? क्या आपको अपने प्लेन के आगे और पीछे के द्वार पता है या वेबसाइट को हरिद्वार पहुंचाकर मानेंगे? ज्यादा ही डरा दिया ना। वेल डोंट वरी, हम अमित तिवारी फ्रॉम mittiwari.net और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग का ट्रैफिक अचानक से कम हो जाए तो इसका रीजन कैसे पता लगाया जा सकता है और कैसे अपनी वेबसाइट और ब्लॉग के ट्रैफिक को वापस गेन किया जा सकता है। जय एयर होस्टेस, वापस आ जाओ सपनों से। प्लेन में वैसे भी कोरोना फैल सकता है, यूट्यूब पर बने रहिए, एकदम सेफ रहेंगे। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, सारे बटन सैनिटाइज कराए हमने सुबह सुबह, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप अच्छा सा नाश्ता करने के बाद सुबह सुबह अदरक वाली चाय की चुस्कियां लेते हुए अपना कंप्यूटर खोलते हैं और आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड में कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। यही ना अदरक, भैंस पानी में। कोई भी एसईओ या ब्लॉगर ये नहीं देखना चाहता है, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए? वेल, आज हम 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिनको एक एक करके आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के ट्रैफिक के नीचे जाने का रीजन पता लगा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है गूगल अपडेट के बारे में पता करना। गूगल वैसे तो हर 2.5 घंटे में एट एन एवरेज एक अपडेट रिलीज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर करती हैं ब्रॉड कोर अपडेट्स। गूगल इन अपडेट्स के बारे में ट्विटर पर अनाउंस करता है। गूगल सर्च लियाजॉन नाम का ट्विटर अकाउंट ब्रॉड कोर अपडेट्स के रोल आउट शुरू होने और खत्म होने पर ट्वीट करता है। अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक सडनली कम हो गया है तो आपको इस अकाउंट को चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं गूगल ने हाल फिलहाल में कोई ब्रॉड कोर अपडेट लॉन्च तो नहीं की है। ब्रॉड कोर अपडेट्स अधिकतर वेबसाइट्स के ट्रैफिक को टेम्परेली या परमानेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं। ब्रॉड कोर अपडेट्स से जिन वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन होता है उनका ग्राफ सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में कुछ इस तरह का दिखाई देता है। टोटल ट्रैफिक में अचानक से गिरावट होती है और फिर लोअर लेवल तक जाने के बाद ट्रैफिक थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है। ये जो उतार चढ़ाव है वो बता रहा है कि एल्गोरिदम आपकी वेबसाइट की पोजीशन अभी ढूंढ नहीं पा रही है। एल्गोरिदम को ये पता है कि इतना ट्रैफिक नहीं देना है, बट कितना नीचे करना है वो अभी इस वक्त तक फिक्स नहीं है। वैसे आपको सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि अपडेट का रोल आउट स्टार्ट कब हुआ है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि रोल आउट खत्म हो गया है या नहीं, बिकॉज काफी सारी वेबसाइट्स का ट्रैफिक रोल आउट के बीच में गड़बड़ रहता है लेकिन खत्म होते होते वापस अपने ट्रैक पर आ जाता है। गूगल की ब्रॉड कोर अपडेट्स और बाकी अलग अपडेट्स को हम अपनी मंथली एसईओ न्यूज सीरीज एसईओ लास्ट मंथ में भी कवर करते हैं, जो हर महीने की 5 तारीख को अपलोड किया जाता है। सो आप पिछले महीने के एसईओ लास्ट मंथ को भी देखकर पता लगा सकते हैं कि कहीं आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक किसी अपडेट के लॉन्च होने के बाद तो कम नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल हम इस वीडियो में देख चुके हैं, बहुत डिटेल से बात की हुई है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसका लिंक अभी टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। सेकंड स्टेप होगा गूगल की पेनल्टी के बारे में पता करना। अगर कोई वेबसाइट गूगल वेबमास्टर पॉलिसीज या गूगल कंटेंट पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती है तो गूगल उस पर मैनुअल या ऑटोमेटिक पेनल्टी लगा सकता है और ऐसी वेबसाइट्स का ट्रैफिक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये ट्रैफिक का ग्राफ कम और सीआईडी के एपिसोड का विक्टिम ज्यादा दिखाई दे रहा है और ऐसा रियली में होता भी है। मैनुअल एक्शन के केस में ट्रैफिक धड़ाम से गिर पड़ता है। आप अगेन गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल की हेल्प ले सकते हैं इस तरह के केस में। अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक भी इस तरह से दिखाई देता है जिसमें कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर वेबसाइट के ट्रैफिक में सडनली ड्रॉप होता है और फिर वो नीचे स्टेबल बना रहता है तो मैनुअल एक्शन की निशानी है। मैनुअल एक्शन के केस में गूगल वेबमास्टर्स को गूगल सर्च कंसोल के मैनुअल एक्शन सेक्शन में डिटेल्स देता है। गूगल सर्च कंसोल के इस मैनुअल एक्शन पार्ट के बारे में हमारा एक वीडियो है जो गूगल सर्च सीरीज का पार्ट है, और जितने भी टाइप के मैनुअल एक्शंस होते हैं उनके बारे में भी हमारा एक वीडियो है जो इन इश्यूज को पहचानने और उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करता है। आप इन दोनों वीडियोस के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। थर्ड स्टेप है वेबसाइट को चेक करना। अगर आपकी वेबसाइट को किसी ब्रॉड कोर अपडेट ने हिट नहीं किया है, अगर कोई पेनल्टी भी नहीं मिली है, तो आपकी वेबसाइट को मे बी गूगल सडनली क्रॉल नहीं कर पा रहा है। ये वेबसाइट के इश्यूज की वजह से भी हो सकता है और होस्टिंग के इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इसका पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत चैलेंजिंग नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर वेबसाइट।
क्रॉलिंग इश्यूज को आप स्क्रीमिंग फ्रॉग नाम के टूल से चेक कर सकते हैं। ये एक मस्ट हैव टूल है टेक्निकल एसईओस के लिए। ये डाउनलोडेबल टूल है जिसे आप इस लिंक से डाउनलोड करके फ्री वर्जन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री वर्जन आपको 500 यूआरएल तक क्रॉल करने की फैसिलिटी देता है और पेड वर्जन साल भर के लाइसेंस के लिए आई गेस करीब 15,000 के आसपास पर आता है। क्रॉलिंग इश्यूज को आप अपनी वेबसाइट को ब्राउजर में खुद से ओपन करके चेक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ब्राउजर से वेबसाइट को ओपन करना, उसे विजिट करना और गूगल बॉट के वेबसाइट को विजिट करने में डिफरेंस होता है। तो इसे चेक करने के लिए स्क्रीमिंग फ्रॉग को इंस्टॉल करके ओपन करिए और वेबसाइट का लिंक इस बॉक्स में पेस्ट करके स्टार्ट बटन को नहीं दबाना था। आपको यहाँ ऊपर मेन्यू बार में कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है और फिर यूजर एजेंट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ड्रॉप डाउन में से गूगल बॉट स्मार्टफोन को सेलेक्ट करना है। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि आपकी वेबसाइट को स्क्रीमिंग फ्रॉग जब क्रॉल करे तो वो सिचुएशन दिखाए जो गूगल बॉट को फेस करनी पड़ रही है। ओके बटन को प्रेस करिए और फिर इस बॉक्स में अपनी वेबसाइट का लिंक एंटर करिए और स्टार्ट बटन को क्लिक कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में और एक बार जब क्रॉल हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस नॉन इंडेक्सेबल हैं। अगर गूगल बॉट आपकी वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो ऑब्वियसली आपकी रैंक और ट्रैफिक दोनों गड्ढे में चले जाएंगे। सो क्रॉलिंग रिलेटेड इश्यूज को चेक करिए, इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज को अपनी वेबसाइट में से चेक करिए, हटाइए और आपका ट्रैफिक वापस आ सकता है। चौथा स्टेप है ओवरऑल ट्रैफिक का स्टेटस चेक करना। कई बार ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट जिस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करती है या उसके बारे में बात करती है उसके बारे में डिमांड इस वक्त कम है। ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज या पेजेस या टॉपिक्स सीजनल हो सकते हैं, ओवरऑल सर्चेज ही उस टॉपिक पर काफी कम है, तो ऐसे में आपका ट्रैफिक भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट का कीवर्ड है आलूबंडा और आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए टॉप पर रैंक करती है, सारी सर्चेस का करीब 20% ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को मिलता है। अब बैक टू बैक हर महीने 1000 सर्चेस होती हैं आलू बंडा के बारे में और आपकी वेबसाइट को करीब 200 हिट्स मिलती हैं 20%। बट अगर सडनली किसी एक खास महीने में सिर्फ 100 लोग आलू बंडा के बारे में सर्च करेंगे तो चाहे आपकी वेबसाइट की रैंक नंबर एक ही बनी रहे बट आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक 200 से घटकर 20 हो जाएगा क्योंकि सर्चेस भी 1000 से घटकर 100 हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है बिकॉज यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी वेबसाइट के पोर्टफोलियो में कुछ और कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं जिससे आपको एडिशनल ट्रैफिक मिल जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा कंटेंट को सर्व कर सकते हैं जिससे लॉन्ग टेल क्वेरीज के लिए आपकी वेबसाइट के जो दूसरे पेजेस हैं वो रैंक करने लगेंगे और आपको उनसे अच्छा ट्रैफिक मिल जाएगा। बट अगर इस रीजन की वजह से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हुआ है तो ये ट्रबल नहीं है, आपकी मिस्टेक नहीं है इसमें कुछ भी। पांचवा स्टेप है रैंक और बैकलिंक्स को चेक करना। बैकलिंक्स किसी वेबसाइट की रैंक में काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी के साथ अगर आपकी वेबसाइट की रैंक किसी वजह से डाउन होती है तो ये भी वेबसाइट के ट्रैफिक के लुढ़कने का रीजन हो सकता है। इसे पता लगाने का काम किसी भी वेब एनालिटिक्स टूल से किया जा सकता है, लाइक SEMrush या Ahrefs यूज कर सकते हैं आप। मैं पर्सनली SEMrush को प्रेफर करता हूँ, Ahrefs की आदत नहीं है मुझे, इसलिए मैं इस वीडियो में SEMrush को यूज करूंगा, बट अगर आप चाहें तो Ahrefs को भी यूज कर सकते हैं। आई नो SEMrush को SEMrush भी बोलते हैं बट अगेन मेरी आदत SEMrush बोलने की है। SEMrush में आपको अपने डोमेन का URL यहाँ टॉप में एंटर करना है और फिर सर्च बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद पेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक का ग्राफ मिलेगा और इसी के साथ नीचे आपकी रैंक कर रहे कीवर्ड्स का ग्राफ मिलेगा। अगर आपके ट्रैफिक के ग्राफ की गिरावट और रैंक हो रहे कीवर्ड्स के कम होने का ग्राफ मिलता जुलता है तो आप सेफली कह सकते हैं कि आपके कीवर्ड्स की रैंक कम होने की वजह से आपके ट्रैफिक को नुकसान हुआ है। बैकलिंक्स का ग्राफ देखने के लिए आप साइड बार में बैकलिंक एनालिसिस पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं आपकी वेबसाइट की जो बैकलिंक्स हैं वो अचानक से गुम तो नहीं हो गई हैं। आई नो बैकलिंक्स खोने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बैकलिंक्स नई बनती रहती हैं और पुरानी बैकलिंक्स जाती रहती हैं। तो अगर आपकी नई बैकलिंक्स बनने की स्पीड पुरानी बैकलिंक्स खोने की स्पीड से ज़्यादा है तो आपकी जो टोटल बैकलिंक्स का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है जो आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को अफेक्ट कर सकता है। ये एनालिसिस आप SEMrush या Ahrefs से कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली पता लगा सकते हैं कि कीवर्ड्स या बैकलिंक्स में से कौन सा एलिमेंट आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को हर्ट कर रहा है। तो ये थे वो पांच बड़े तरीके जिनसे आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को रातों रात या हफ्तों हफ्ते गायब होने के रीजन को पता लगा सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। कुछ दोस्त कई बार कंप्लेन करते हैं कि मैंने प्रॉब्लम बता दी सोल्यूशन नहीं बताया है। वेल, कई बार टॉपिक इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है कि उसे एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता है। आज जो पांच रीजन हमने डिस्कस किए हैं उन्हें जानकर आधे लोग अपनी वेबसाइट के इश्यूज को सॉल्व कर लेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे आई एम श्योर, बट काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा एग्जैक्टली उन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो सबसे पहले आप इसी चैनल के वीडियोस में से अपने इश्यूज को सर्च कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, बस आपको नोटों वाले चैनल से दूर रहना है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हर काम में सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है, आपको SEO सीखने में भी टाइम लगेगा।
थोड़ा खुद को टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ आ जाएगा। दूध के कटोरे के अगल बगल नाचने से दही जल्दी नहीं बन जाता है, रात भर उसको छोड़ना पड़ता है। खुद को टाइम दीजिए, आप काफी सारे रिसोर्सेज पढ़िए, सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम अमित तिवारी.net। नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।